हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन RCI एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। टेंस की जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके माध्यम से हम हिंदी से इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी लिखते हैं तो हमें आसानी होती है। डियर स्टूडेंट्स, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। आगे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। टेंस की डेफिनेशन होती है किसी कार्य को करने पर कार्य के होने के समय का पता चले टेंस कहते हैं। टेंस की डेफिनेशन होती है किसी कार्य को करने पर कार्य के होने के समय का पता चले उसे कहते हैं टेंस। आपने वो कार्य कब किया है या किस समय में किया है या आप वो कार्य कब करने वाले हैं, कार्य को करने का समय का पता होना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। आगे हम बात करते हैं टेंस के टाइप। डियर स्टूडेंट्स, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। डियर स्टूडेंट्स, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। अब इन तीनों ही टेंसों को चार उपभागों में विभाजित किया गया है, जैसे पहला इनडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा परफेक्ट, इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस,
तीसरा परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार चार हो गए। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार तीसरा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार कुल टेंस कितने होते हैं? कुल टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सभी टेंसों की अब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे।